दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पसंद होगी। रॉयल एनफील्ड अपने डिज़ाइन और साइलेंसर की आवाज़ के कारण प्रसिद्ध हैं। रॉयल एनफील्ड कंपनी की शुरुआत 1955 में हुई थी। इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद यह अभी भी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन बाइक्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज जिस बाइक की हम बात करने वाले हैं वो है सबकी फेवरेट बुलेट। तो सबसे पहले बाइक के इंजन को तैयार किया जाता है। बुलेट में 350 सीसी का इंजन होता है जो 19.1 हॉर्स पावर का होता है। तो सबसे पहले एक मोल्डिंग मशीन के द्वारा इंजन के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। अब एक असेंबली लाइन में इंजन के सारे पार्ट्स को एक एक करके जोड़ा जाता है, जिसमें गियर्स, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन्स आदि शामिल होते हैं। उसके बाद इंजन के ऊपर वाले भाग पर फ्यूल इंटेक और एग्जॉस्ट वॉल को लगाया जाता है, जिसमें फ्यूल इंटेक वॉल से फ्यूल और हवा का मिक्सचर इंजन में आता है, जहां स्पार्क प्लग से इंजन के अंदर फ्यूल को जलाया जाता है और फिर धुएं को एग्जॉस्ट वॉल की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद इस पूरे इंजन को असेंबल किया जाता है। इंजन के असेंबल हो जाने के बाद इस इंजन को टेस्टिंग कंपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां इस इंजन को इसकी पूरी क्षमता पर चलाकर देखा जाता है कि यह इंजन सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। टेस्ट में पास हो जाने के बाद अब यह इंजन बाइक में लगने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं बाइक के फ्यूल टैंक को, जहां एक वर्कर फ्यूल टैंक पर बड़े ही ध्यान से डिजाइनिंग कर रहा है। इस काम को करने में बहुत ज्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है। उसके बाद इस फ्यूल टैंक पर पेंट की कोटिंग की जाती है, जो इसे एक ग्लॉसी लुक देने के साथ साथ इसे स्क्रेचेस से भी बचाती है। अब इंजन को बाइक की चेसी पर फिट किया जाता है। उसके बाद बाइक के हैंडल को बाइक की चेसी के साथ में अटैच किया जाता है, साथ ही में रियर व्हील को भी लगाया जाता है। अब बाइक की हेडलाइट, साइड इंडिकेटर, ब्रेक लाइट आदि का कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद फ्यूल टैंक और सीट्स को फिट किया जाता है। अब बाइक के सारे जरूरी कंपोनेंट को लगाया जाता है। सब कुछ लग जाने के बाद अब इस बाइक को अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इस बाइक को बाहर ले जाकर रोड पर भी चलाया जाता है। सब कुछ सही होने के बाद अब ये बुलेट सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching this video.